स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे इस लॉकडाउन के इसमें। आप सबको ऐसे लगता होगा कि इसको हमारी स्कूल कभी खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी स्कूल फिर से स्टार्ट हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हमारी जो स्कूल है वो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम सीखने वाले हिंदी लेसन में ग्रामर जो फर्स्ट पार्ट है शब्द ज्ञान। इसमें क्या है शब्द ज्ञान, किसे कहते हैं, क्या है शब्द, यानी क्या होता है ध्वनि, शब्द यानी क्या होता है, शब्द क्या होता है ध्वनि। ध्वनि पता है सबको, ध्वनि यानी आवाज, ध्वनि यानी क्या होती है, आवाज होता है। जैसे आज अभी मैं बोल रही हूँ, क्या आ रहा है आपको, मेरा ध्वनि यानी क्या है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी आवाज आ रही है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। और ध्वनि में क्या होता है, शब्द होते हैं, क्या होते हैं शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूहों को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक अक्षर या सार्थक अक्षर समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। कभी एक ध्वनि से कभी एक से अधिक ध्वनि को, ध्वनि के योग के शब्दों को, यानी एक से अधिक ध्वनि जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं, शब्द। क्या कहते हैं, शब्द। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम, ये क्या है शब्द, क्या है शब्द। अभी शब्द क्या है, उसमें दो भागे, सार्थक निरर्थक, क्या है दो भागे इसमें, और सार्थक के और दो भाग पड़ते हैं उसमें, है विकारी और अविकारी। क्या हो जाता है, विकारी और अविकारी। और विकारी अविकारी में, विकारी के पहले हम देखते हैं कि क्या है, विकारी में हमारे चार सब पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, चार सब पार्ट्स। संज्ञा फर्स्ट है संज्ञा, सेकंड है सर्वनाम, थर्ड है विशेषण और फोर्थ है क्रिया। मुझे लगता है ये मैंने आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ाया है, ये सबको पता होगा। संज्ञा क्या है, नाउन, ये पता है सबको। सर्वनाम पता है, विशेषण जिसमें क्रिया के विशेष रहता है, जो क्रिया होती है उसमें जो विशेष होता है उसको हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है। और बाद में क्रिया, क्रिया यानी हलचल, किसमें क्या हो रहा है, रोहन भाग रहा है, उसका क्रिया कौन सी है, कौन सी है।